हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन इंग्लिश क्लास। प्यारे बच्चों, आपका अपनी इंग्लिश क्लास के अंदर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 4 द अर्थ एंड द स्काई के वर्ड मीनिंग को करेंगे। तो प्यारे बच्चों, पहला है वेडिंग। वेडिंग WEDDING, वेडिंग। वेडिंग का अर्थ होता है बच्चों शादी। नेक्स्ट बच्चों स्क्रेड, SACRED, स्क्रेड का अर्थ होता है बच्चों पवित्र। नेक्स्ट बच्चों ब्रिडरूम, BRIDEGROOM, ब्रिडरूम। ब्रिडरूम का अर्थ होता है बच्चों दुल्हा। नेक्स्ट बच्चों PT, PT का अर्थ होता है बच्चों दया। नेक्स्ट बच्चों रोबे, ROBE, रोबे का अर्थ होता है बच्चों पोशाक। नेक्स्ट बच्चों चेंटिड, CHANTED, चेंटिड का अर्थ होता है बच्चों बोले। नेक्स्ट बच्चों अप्रोच्ड, APPROACHED, अप्रोच्ड का अर्थ होता है बच्चों संपर्क किया। नेक्स्ट बच्चों डिसगाइज्ड, DISGUISED, डिसगाइज्ड का अर्थ होता है बच्चों वेश। ग्रिफ, GRIEF, ग्रिफ, ग्रिफ का अर्थ होता है बच्चों दुख। नेक्स्ट बच्चों फ्लंग, FLUNG, फ्लंग, फ्लंग का अर्थ होता है बच्चों हाथ बढ़ाना। नेक्स्ट बच्चों रेनबो, RAINBOW, रेनबो का अर्थ होता है बच्चों इंद्रधनुष। प्यारे बच्चों, यह थे चैप्टर नंबर 4 द स्काई एंड द अर्थ के वर्ड मीनिंग। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।